ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री। भारतीय मूल के शख्स को मिली इतनी बड़ी उपलब्धि पर भारत गौरवपूर्ण महसूस कर रहा है। भारत इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है कि सुनक इतिहास रचने जा रहे हैं। दिवाली के दिन पेनी मॉर्डेंट के रेस से बाहर होने पर सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी ने निर्विरोध चुन लिया। Therefore elected as the Liberal Conservative. Yeah. Now the new leader of the party will address us in this room at 2:30. के पूर्व वित्त मंत्री सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी के 193 सांसदों का समर्थन हासिल हुआ, जबकि जीत के लिए उन्हें सिर्फ 100 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। ऐसे में भारत सुनक की इस बड़ी उपलब्धि पर नाज कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिटेन के मनोनीत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को बधाई दी। पीएम मोदी ने सुनक से वैश्विक मुद्दों पर साथ काम करने की उम्मीद जताई है। हालांकि पीएम मोदी का यूं सुनक को लेकर भावनात्मक होना पीडीपी मुखिया को रास नहीं आया। महबूबा मुफ्ती ने इसमें भी अपना अल्पसंख्यक होने का राग घुसा दिया, अल्पसंख्यकों को लेकर रोना शुरू कर दिया। और जब महबूबा मुफ्ती ने फिर से ये राग गाया तो फिर बीजेपी ने तबियत से फटकार भी लगाई। दरअसल पीडीपी मुखिया मुफ्ती के मुताबिक एक अल्पसंख्यक को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया है। वहीं अभी भी NRC और CA जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हुए हैं। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी ईमानदारी से पूछा कि क्या ये यहाँ हो सकता है। इस पर अब बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी सवाल पूछा है। सुनक के पीएम बनने को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, महबूबा मुफ्ती, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? बीजेपी सरकार पर विपक्ष की उठी उंगलियों पर रविशंकर प्रसाद ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई जवाब दिए। लिखा कि ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुने जाने के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ अति सक्रिय हो गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में, अब आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। आगे रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती को कटघरे में खड़ा कर कहा, ऋषि सुनक के UK के PM के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर टिप्पणी करते हुए महबूबा मुफ्ती जी, क्या आप जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे? इसका भी जवाब दें। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा, इस असाधारण सफलता के लिए हम सभी को ऋषि सुनक की तारीफ करने की जरूरत है। ये दुखद है कि कुछ भारतीय राजनेता दुर्भाग्य से इस अवसर पर इसे अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने भी सुनक के बहाने भारत सरकार पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा किया है। तजिंदर सिंह सरन ने लिखा, आपके दिवंगत पिता कैसे गृह मंत्री बने थे? पाकिस्तान के दबाव में? नहीं, भारत ने ही बनाया था ना। भारत ने ही मनमोहन सिंह को पीएम बनाया। भारत ने ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाया। इन्फिनिटी नाम के यूजर ने खुद को महबूबा मुफ्ती द्वारा ब्लॉक किए जाने का ट्वीट साझा किया है। लिखा है, इनको प्रधानमंत्री का हक चाहिए जो एक जवाब नहीं दे सकती। अमर सिंह मीना ने लिखा, ये वही लोग हैं जो कश्मीर को तोड़ना चाहते थे और अब अल्पसंख्यक को PM बनाने का राग अलाप रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, कभी एक अल्पसंख्यक को कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने दिया गया? तुमने अंतर स्पष्ट करो। भारत में अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले व्यक्ति एक बार नहीं, दो बार PM रह चुके हैं। नरेंद्र गांधी नाम के यूजर ने लिखा, दोगलेपन की भी कोई सीमा होती है। मुख्यमंत्री की बात तो छोड़िए, ये लोग वही हैं जो अन्य राज्यों के जम्मू कश्मीर निवासियों को मतदान का अधिकार भी नहीं देना चाहते। तो कुछ इस तरह से ब्रिटेन के बहाने भारत को, भारत सरकार को आईना दिखाने वालों को रविशंकर प्रसाद ने तो लताड़ा ही, साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर क्लास लगाई। वैसे कांग्रेस नेता शशि थरूर, पी चिदम्बरम, महबूबा मुफ्ती के सुनक को लेकर दिए गए बयान पर ब्रिटेन को ऊपर रख और भारत को नीचा दिखाने को लेकर जिस तरह से रविशंकर प्रसाद और अन्य सोशल मीडिया यूजर्स ने इनको लताड़ा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं।